सॉरी पापा, आई एम सॉरी। यार क्या अजीब लोग हैं, वीकेंड वाले दिन भी फोन ऑफ करके बैठे हैं। बिलाल तो फ्लाइटें लेके उड़ रहा होगा, मगर ये वहाज को क्या मसला है, इससे कॉल करता हूँ। मुझे ये बता तुझे तकलीफ क्या थी? और कौन सी तकलीफ, क्या मसला है? तकलीफ तो मुझे हुई थी ना जब तेरे पीछे जान दे रही थी, वही जिसको तुम फोन में देख देख कर आए भरते हो। अल्लाह माफ करे, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। मुझे सच सच बता दो, इन तीनों में तो तुम्हारी वाली कौन सी है? ये तस्वीर, ये तो भी मैंने अपलोड भी नहीं की। तुम मेरे फोन को छेड़ती हो, मेरे से पूछे बगैर मेरा फोन पकड़ा कैसे तुमने? हाउ डेयर यू। ओ, ज्यादा रोला डालने से ना बंदा सच्चा नहीं हो जाता। मुझे सच सच बता दो, मैं आखिरी बात पूछ रही हूँ, इन तीनों में से तुम्हारी वाली कौन सी है, मुझे अभी बता दो ताकि मैं उसका मर्डर कराऊं। ओ पेंडू जाहिल, ये सब मेरे कॉलेज की दोस्तें हैं। सब की सब? हाँ सारी की सारी। अब जाओ मार दो सबको अगर हिम्मत है तो। पागल लड़की, मर गई दादी, ये लड़का तो हाथ से बाहर निकल गया है। मैं खुद बुए से बाहर निकलने लगी। नहीं दादी प्लीज कुछ करें, मैं मर जाऊंगी। पुत्र मरना ही ना तो एक बारी मार जा ताकि कहानी मुक जाए। बोलो क्या कहना चाहते हो? इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। अब तुम मुझे समझाओगे भी? आई लव यू बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे पहले आपका ख्वाब पूरा करूंगा, मेहनत से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। लेकिन बाबा क्या खुद ख्वाब देखना छोड़ दूं? अभी तो जिंदगी का पहला कदम है। जब आप फर्स्ट ईयर में थे और सेटल होने तक, क्या आप भी इसी प्रेशर में जिए? यह जिए ही नहीं बाबा, हारा वो इंसान फिर उठ सकता है, फिर लड़ सकता है। आपका पौधा हूं, मुझे लेके आप बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन अभी तो उगा हूं। लाइफ में इस प्रेशर की तेज धूप खिलने से पहले ही मुरझा जाऊंगा। प्लीज बाबा, सेव मी, ट्रस्ट मी, अंडरस्टैंड मी, हेल्प मी बाबा। आई एम सॉरी बाबा। नहीं बेटा, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। इतनी सी उम्र में मैंने तुझे इतना तंग कर दिया। आप कोई लड़ाई ना भी जीते, मगर वो बेटे को हारा हुआ नहीं देख सकता। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मेरा बेटा जवान कब हो गया, इतना समझदार कब हो गया। मेरी अकल पर पड़े ताले को खोल डाला। आज से तुम मेरे बेटे नहीं, मेरे यार हो यार। हाँ so happy, so happy now। I'll be there in 30। तेरा क्या सीन है? उस्मान मुझे जरूरी काम है, मैं 1 घंटे बाद मिलता हूँ तुझसे। यार हमारा वीकेंड स्पॉइल मत करना, खुद तो फ्लाई हाई करेगा और हमें बोर करेगा। जल्दी पहुंच। हाय। हेलो। मुझे लगा शायद आप सिर्फ लोगों को सामने देखकर याद रखते हैं, इसीलिए मैंने आज आपको वीकेंड पर कॉल किया ताकि आप मुझे ये ना कह सकें। आप सर नाना आप ठीक तो हैं? हाँ, क्यों कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, वो असल में आप पहली दफा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ताने नहीं दे रहे, मेरे अल्फाज नहीं पकड़ रहे। कर आपने भी तो मुझे ताना ही मारा है ना। लेकिन खैर मैं वीकेंड पर ऐसा ही होता हूँ। चले फिर शायद सिर्फ वीकेंड पे ही हमें बात करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कर रही हैं? फ्री हैं? मूड अच्छा है? देखिए अगर मूड अच्छा है तो कॉफी पर चले। कॉफी? जी श्योर। कब? अभी थोड़ी देर में अगर आप फ्री हैं। ओके ओके श्योर। डन, ठीक है, मैं पिक कर लेता हूँ आपको। ओके सी यू। ओ खबरदार, निकल फौरन। हाय हाय, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, हर वक्त तो सड़े हुए करेले की तरह रहते हो। चलो। मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे देर हो रही है, बैठ चलो। मुझे भी। चलो। तुम्हें कहाँ जाना है? ख्वाब पूरे करने हैं। कौन से ख्वाब? आपके साथ गाड़ी में बैठ के सैर करने का ख्वाब, सिग्नल पे रुक के किसी गरीब बच्चे से गजरे लेने का ख्वाब, किसी स्टॉल पे रुक के गोलगप्पे खाने का ख्वाब, और सोडा वाटर भी पीना है ना। तेरे ड्रामे नहीं खत्म होने, चक्कर देने से बाज नहीं आ रही तू। चल बाहर निकल। नहीं प्लीज, आपको दादी की कसम, मुझे साथ लेके जाइएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ एक रुपया नहीं खर्चाऊंगी आपका। बस एक चक्कर, वादा एक चक्कर। और अगर एक भी लफ्ज बोली तो? एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? अगर ज्यादा बकबक की ना तो चक्कर खत्म होने से पहले रिवर्स वापस आ जाऊंगा। सीट बेल्ट क्यों पहने हो? कश्मीर नहीं जा रहे हम। इलाज से बेहतर एहतियात होती है। चले ना। हाँ गजाला, वो एनी रेफरेंसेस तो निकाल रही है, लेकिन मेरा कंसर्न था कि वक्त पे बन जाएगा। है थैंक यू। ओके बाद में बात करते हैं। That's true। और आज तो मैं और भी ज्यादा हैरान रह गई, आपको तो राइटर होना चाहिए जनाब। चार बातें जो वक्त ने सिखाई थी वो किसी और के काम आ गई, बंदे को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वाह, अब तो अंदाज भी बड़ा शायराना हो गया है। जवान बेटी बैठी है। कहाँ? यहाँ तो तीन दोस्त बैठे। कॉल आई वहाज की। ओ हाँ, सारा क्रेडिट आपको दे रहा था, खुद आएगा आपसे मिलने। ओके। काश आप मेरे ख्यालों की तरह असल में मुझसे पूछे कि बिलाल सब बता दो जो तुम्हारे दिल में चल रहा है। इस तरह कॉन्फिडेंस तो कोई नशा भी नहीं देता। आप कैसे इतनी परफेक्ट है मैम ज़ारा, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ। परफेक्ट। दादी बच्ची सिर्फ बेहोश हो ही दीजिए। मुझे तो लगता है पुलिस केस है। चाची आपका कौन सा पूरा खानदान डाकुओं का है? बात बात पे पुलिस क्यों याद आती है आपको? पुत्र तू सोच भी और डर भी। पुत्र मुझे तो लग रहा है ये मासूम कहीं कोमे में ना चली जाए। मुद्दा और मुकदमा दोनों इसी ते बनते हैं। बड़ा कुड़ी नू घुमान ले गया सी, वेख्या भला की हाल कीता कुड़ी दा। जबरदस्ती गई थी पराई बच्ची, सोडा पीने। आ जाएगा होश। मेरी चलती गाड़ी से छलांग मारने को निकली थी ये पागल कहीं की। और दिल टूटा इस बेचारी का, हुण ते तरस खा ले मुंडिया तू। ओ आप लोग मेरे घर वाले या इसके? खुद को फंसा लूं इसको बचाने के चक्कर में? कभी भी नहीं। पुत्र कोमे में पड़ी है, विवाह कर ले, साल दो बाद दूसरा कर लेना। मेरा तो दिल करता है आप लोग भी कोमे में चले जाएं इसके साथ। पुत्र थोड़े से टूटे पैसे ला लेते मान जा। कभी भी नहीं। हाय जवान जान कुड़ी मर गई। आज हमें कुछ सुनाओगे तुम? आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, कब तक लाओगे मेरा स्टाफ? जल्दी करो। Actually, in my free time, I like to read like about like astrology and stuff, like the zodiac. You know, it's just like something. Hi, how are you? Hey, Bilal. कैसे हो? Can we join you? Yeah, sure. अकेले आए हो कोई है नहीं साथ में तुम्हारे? वो मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओके, मैं फ्री होती हूँ तो तुम्हें कॉल करती हूँ। मुझे भी बात करनी है। ओके, बोलो। You said you'll always be there for me. Bilal, of course I am. चुप हो गया है तू बिन तेरे साथी। Excuse me. हाँ, तुम बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। Bilal, sit with us for. I have to go. Bilal? Sorry, he has some personal things going on. It's okay, I understand. अक्सर students ऐसे ही होते हैं। और शायद हर इंसान अलग होता है। एक बात याद रखिएगा मिस सारा, इस एज में students दिल और दिमाग के बहुत कच्चे होते हैं, मतलब बहुत देर से समझते हैं। चाहे वो रिश्ता दोस्ती का ही क्यों ना हो, क्योंकि अलग होते हैं इंसान भी और उनकी दोस्ती के उसूल। राइट, ये चीज एक दफा और जरा आसान अल्फाज में प्लीज। आसान अल्फाज। नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी बिलाल से मुलाकात हो उसकी आंखों में गौर से देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। आपको पता है जब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ ना मुझे लगता है कि उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती और मैं रीजन जानना चाहती हूँ कि क्यों। निज़ारा, मेरी बात याद रखिएगा, जब भी मिलेंगी आपको समझ आ जाएगी। कुछ ऑर्डर कर लें? श्योर। एक्सक्यूज मी। देख सज्जे पासे तेरी ख्वाबों का शहजादा बैठा हुआ है जिसके पीछे तू गुजरांवाला से आई है। ओ दादी, इस जन्म में मेरा मतलब इस याददाश्त में तो इसको मेरे पीछे ना लगाओ। आप कौन है? अब्बू हो तुम्हारा। ओ बाबा, चुप ना टंकी। कितने अच्छे हैं आप। आ रही है प्लीज ये पता नहीं केड़ा केस करके आई 24 घंटे पुलिस आ रही। मैं कौन हूँ? ड्रामेबाज, रंगबाज, टोपीबाज। बाज आजा पुत्र, सब ड्रामे इसके। यही तो समझा रहा हूँ मैं कौन सा इसकी माँ हूँ कि मुझे देख के ठीक हो जाएगी। माँ? मेरी माँ? तेरी माँ। खबरदार, मैं तो कहता हूँ घर भिजवाओ इसको। वो फिल्मों में नहीं देखा, अपने जैसे कार्टून देखेगी सब यादाश्त वापस आ जाएगी इसकी। या तो मैं डंडा देता हूँ एक, इसके सर पे मारे, यादाश्त वापस आ जाएगी, या जो है वो भी चली जाएगी। मुझे लगता है पुत्र बात सही है। बोलू तू ए दस दे बेलना ले आवा या बैट ले आवा तेन मारन वास्ते। अरे बाजी जी जान से मारना है बच्ची को, फिर कहंदे हो पुलिस पुलिस कर दिया। बच्ची दे घर फोन करो और इन्हों गुजरावाला भिजवाओ। मेरी दुनिया घूम रही है। ले फिर केस पे आ गया। अल्लाह बहुत हो गया। अब क्या हो गया? ये छोटी छोटी टिपों में मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा तो एक काम करते हैं कि बिल के पैसे आप रख लिया करें, टिप मुझे दे दिया करें। मेरे ख्याल में खड़े खड़े बात करना मुनासिब नहीं है। बैठिए। मैं सोच रहा हूँ आपको जॉब पे रख लूं। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। सैलरी कितनी देंगे आप मुझे? जितना आप मुझे कमा के देंगे उसका आधा। वाओ, पार्टनरशिप। यानी मेरी मेहनत और आपकी दुआएं। दुआएं, हाँ हाँ। यस, स्मार्ट और स्मार्ट। मेरा दिमाग, आपकी तालीम। यूट्यूब चैनल बनाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं। क्या हो गया आपको? विजुअल का जमाना है। खाली जंगल में शेर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। ऐड बनाते, सोशल मीडिया पे छा जाते। और इसको बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? मोबाइल के कैमरे से बनाते। अच्छा मुतंजन हो तो फीका मुतंजन भी बिकता है। क्या फरमाते हैं? फिलहाल आप जाइए, हम सोच के बताते हैं। ऑर्डर रेडी है। ओके ओके ओके। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। सुनो, थैंक्स। You're welcome, मगर किस लिए? इतने अच्छे बाप के घर पैदा होने के लिए। थैंक्स तुम्हें रोज करती हूँ ऊपर वाले का। सीरियसली यार, अब ऐसा लगता है कि सब ठीक होगा, या फिर जो था वो ख्वाब है। खुश रह बच्चा, सारे ख्वाब पूरे गए। बहुत मेहनत करनी है एनी, अब से पढ़ाई पर नो कॉम्प्रोमाइज। That's great. और म्यूजिक? म्यूजिक तो जिंदगी है यार, कोई सांस लेने पे कॉम्प्रोमाइज करता? वाओ, बॉय मैच्योर बातें करने लगा है। ये भी हसन अंकल का ही असर है। और मेरा कोई क्रेडिट नहीं है ना, तुम उनकी बेटी जो। अच्छा तो उनसे ही बात करो फिर। हेलो हेलो हेलो। अब जो है वो है वो। शाबाश बेटा। शाबाश तो आपको कहना चाहिए जो अभी तक जाग रहे हैं। टाइम देखा है? बेटियों की उम्र बढ़ने लगे ना तो कुछ माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं। अच्छा तो अब आप उन माँ बाप में से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन माँ बाप में से हूँ जिनकी खुशी की वजह से नींद उड़ जाती है। ऐसी कौन सी खुशी? बहुत खुशकिस्मत होते हैं वालिदैन जिनकी औलाद दिल से सीधे रास्ते पे हो, और सीधे रास्ते पे चलने वाले को मंजिल जरूर मिलती है। मैं रहूं ना रहूं बेटा, ऐसे ही रहना। खुशी में गम मिलाना जरूरी होता है क्या? बेटा, खुशी में हकीकत को भूल जाना, जज्बात में मिलावट होती है बेटा। सच से खौफ नहीं खाते हैं, नजरें मिलाते हैं। सच ये है कि आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ बेटा, तुम्हारा मेडल अपने सीने पे सजाए बगैर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगी। आपको पता है ना कि अल्लाह मियां की और मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है। अगर अब आपने इस तरह की बातें की ना, शिकायत लगा दूंगी, कयामत वाले दिन सजा मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी बेटी, मेरा गुरूर, सलामत रहो। अब ठीक है? ठीक है, लेकिन आप फौरन जाके सो जाए। अच्छा, और तुम क्या करोगी? तुमने भी सोना है? नहीं, आराम करो। यार चौधरी, ये छुट्टी का दिन ना बड़ा मनहूस होता है, जैसे पिंड में वैसे ही यहाँ। कैसे? अवजारी, कोई एंटरटेनमेंट तो होनी चाहिए ना। मसला? और मैं तो कहता हूँ ये गांव वाला सारा सेटअप जो है ना, ये शहर में शिफ्ट हो जाए। ये सारे शहर वाले हमारी टोरें दे के पागल हो जाएं, तब इन्हें पता चलेगा कि चौधरी और पेंडू में फर्क क्या होता है। तुझे मिलेगा क्या इनको फर्क बता के? सुकून, ज़हनी सुकून। मैं तो कहता हूँ ना कि अब्बा से कहकर बड़ी सी प्यारी सी ऑटोमेटिक गाड़ी मंगा लेता हूँ। अच्छा, भेज देंगे वो? अरे भेजने को तो वो हेलीकॉप्टर भेज दें। तो मसला ये कि मैं पार कहाँ करूँगा? ऐसे तो मेरे अब्बा पढ़ने मुझे चांद पे भेज रहे थे। हैं? चांद पे कॉलेज होता है? हाँ हाँ, जैसे तेरे अब्बा तुझे हेलीकॉप्टर भेज रहे थे। चल सो जा यार। यार चौधरी, ये क्या जिंदगी है? खाओ पियो, सो जाओ, उठो फिर सो जाओ। और कोई एंटरटेनमेंट होनी चाहिए यार, की पार्टी होनी चाहिए। हमारा कॉलेज किसी पार्टी से कम है? कितने एडवेंचर होते हैं, कितनी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए। और जब कभी बोर होते हैं वहां से गाना भी सुन लेते हैं। और कॉन्सर्ट पे कितना एंजॉय किया था, याद नहीं है? यार वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों की पार्टी होनी चाहिए। बुलाते हैं सब कॉलेज वालों को, सारे बैठ के यहाँ बारबेक्यू पार्टी करेंगे, क्या कहता है? और घर पे क्यों? घर से बाहर जाके कहीं बारबेक्यू पार्टी कर लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा। हाँ वैसे ये भी ठीक कह रहा है। तू गेम खेला आराम से, मुझे पढ़ने दे अब। सच तो ये है कि खुशी को खुद बहाना दो तो पूरे जोश से मिलती है। ओह हेलो बीबी, कहाँ जा? यार मेरी बात तो सुनो। समझ आती कि नहीं? दादी बुला रही हैं। दादी? दादी, खाने के लिए। खाना क्या होता है उस्मान जी? बेटा तुम्हें कैसे पता मेरा नाम क्या है? वो सब आपको उस्मान जी कह रहे होते हैं ना। क्यों, कोई और भी नाम है आपका क्या? हाँ, तुमसे जो बात कर रहा हूँ। रुके तो। क्यों? वजह? बिला वजह? मतलब अगर आप रुक जाएंगे तो कोई वजह बन ही जाएगी ना। बेशक तेरी याददाश्त चली गई, अंदर से तो पूरी छिछोरी है। छिछोरी नहीं, छोरी। गांव की छोरी, गोरी गोरी। गांव की छोरी? तुम्हें किस तरह पता कि तुम गांव से हो? गुजरात गांव है क्या? ओ, तो तुम्हें ये भी याद है कि तुम गुजरात से हो? कैसे? वो दादी ने बताया था ना, दादी ने बताया था। या खुदा, कितने फंस गया मैं। हम फंसे हुए हैं। देखो तुम जो भी हो, तुम्हारी जितनी भी याददाश्त है, ये मत भूलना कि मैं और महरीन 2 दिन पहले मस्जिद में निकाह कर चुके हैं। महरीन? कौन है भाई महरीन? 10 महीनों बाद मुंह भर देना है। देखा, अब सारी साजिश सामने आ गई है बेटा। दादी, मामा जल्दी नीचे आए, चाची को भी लेके आई। ये पकड़ी गई है, ये पकड़ी गई है, झूठी है ये। नीचे है दादी। यार कब फंसा दिया जिमी भाई ने। पूरी रात गुजर गई, दिन हो गया, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। पता नहीं लोग इतने क्रिएटिव कैसे हो जाते हैं। आई थिंक मुझे किसी क्रिएटिव फ्रेंड की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। 7। शाबाश शाबाश शाबाश। एक और, एक 8 लगाना। 9। चल 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 जल्दी भाई 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 लगा लगा। 10। 20 हो गए भाई। 10 हुए हैं। मेरा दिमाग खराब है, मैंने खुद ही गिने। वैसे भाई संडे के दिन कौन गधा एक्सरसाइज करने आ जाता है? अभी तेरे जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बेटा जिन्होंने अपने गोल अचीव करने होते हैं ना, वो आते हैं मेरी तरह सुबह सुबह। गोल आपने अचीव करने, मुझे किस बात की सजा है? अबे तू ना बस मेहनत से घबराता है। हमारे काजी आजम ने कहा था कि वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड सक्सेस विल फॉलो आफ्टर यू। तो हार्ड वर्क खुद करे ना, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? अबे जो अजीम लोग होते हैं ना, अकेले नहीं चलते, अपने साथ पूरी क्लैन लेके चलते हैं। दुआएं देगा मुझे एक दिन। अच्छा, और जो इस वक्त बददुआएं नहीं कर रही है वो किसको दूं? हम आशिकों को तो वैसे ही बददुआ होती है। दे दे, तू भी दे। भाई 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 भाभी 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 दिल को दिल से राह होती है। आज तो बता के रहूंगा जहांगीर क्या चीज है। तो रुक, देख मैं क्या करता हूँ। Ladies and gentlemen, I am proudly presenting to you the best chef in the world, Mr. Hasan Khan. आज हम बनाने जा रहे हैं homemade, healthy, hygienic, yumilicious हलवा पूरी। जी नाज़रीन, हसन हलवाई हाजिर हैं। हलवा बन चुका है, ताज़ा ताज़ा गरम गरम पूरियों की बारी। वाओ, और वो भी ऑलिव ऑयल में। वाओ, क्या बात है, क्या खुशबू है। अरे ये क्या हो रहा है किचन में? इनसे मिलिए, ये है मम्मी परेशान। मम्मी ऑलवेज परेशान। मम्मी परेशान, कौन आया मेहमान? चलिए देखते हैं। What is this, हसन? हलवा पूरी हम खाएंगे। तो ये सब साफ कौन करेगा? हम साफ करेंगे, बहुत लाइट है। तो देखते हैं सुबह सुबह संडे को कौन। Oh wow wow wow, Don of music, रॉकस्टार, सुपरस्टार। थैंक यू। लेकिन पहले मुझे बताओ कि हसन अंकल कहाँ हैं? आओ आओ, तुम्हें उनका नया टैलेंट दिखाते हैं। घर का ताज़ा तरीन हलवा खिलाते हैं। हलवा तो हम खाते ही हैं, लेकिन क्यों ना हम पहले आपके दिमाग का इलाज कराते हैं। What? क्या हो गया यार? तो पता नहीं कोई ऐसा ड्रग होना चाहिए जो आपको भूली हुई बातें तो याद दिलाए। जरूर डांटने के लिए कॉल किया होगा मुझे। पता नहीं क्या भंड मारे मैंने, क्या किया कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाऊँ तो पता नहीं सर इमरान क्यों चिपके रहते हैं उनसे। चलो भाई यो हलवा जहर शुरू करो। हाँ जी। So proud of you, Mr. Chef. Thank you, Princess. बस ये याद रखना कि नाश्ते के बाद किंग और प्रिंसेस सफाई करेंगे। Yes. जो जो हलवा पूरी खाएगा वो बाद में किचन में सफाई मुहिम में भी हिस्सा लेगा। Done. वैसे मामा सब मजे लेकर खा भी लेती हैं और प्रेशर भी डालती हैं। आपको तो पॉलिटिशियन होना चाहिए। Really? कोई शक? मैंने तो सोच लिया जी, मैं बिल्कुल हसन अंकल की तरह बनूंगा। हाँ, फिर तो तुम्हारी बीवी बैठ के ऐश करेगी, क्या हुक्म चलाएगी, फिर भी खुश नहीं होगी, सारी जिंदगी कंप्लेन करती रहेगी। तुम्हें क्या हसन ने अकेले बड़ा किया है? और इस घर को मैं ही तो देखती हूँ ना। और मॉम टेक अ चिल पिल, आई एम अ जोक। देखो ज्यादा बातें ना करो तुम, एक दिन तुमने भी किसी की बीवी बनना है। नो, आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल, मुझे काम करना पसंद है। मैं तो बहुत काम चोर हूँ, मैं इसलिए पूरी नहीं खा रही। पूरी बात तो सुने, आप कहाँ से आ गए? और वैसे भी आप तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। ओह, क्यों दे रही हो बच्ची की बातों पे ध्यान, पूरी खाओ ना जान। वाह वाह अंकल, एक तो पूरी की तरह अंकल की बातें भी लाजवाब। सीख लो, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। इधर दोस्ती कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही? क्यों, आपको जलन हो रही है? जलन मुझे? For your kind information, ये यमी पूरी हलवा सब मेरी वजह से खा रहे हैं। हो, लेकिन असल में दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। वाह वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं है भाई। थैंक यू अंकल। आप भी? बस अंकल, आपसे ही तो सीख रहा हूँ। मैं मामा नहीं जो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करूँ। आई एम एंजॉयिंग माय पूरी। अब मेरा जिक्र कहाँ से आ गया और मैं कहाँ से ओवर रिएक्ट करती हूँ? ओह, आज पूरी में क्या मिल गया भाई? सब अंदर की बातें बाप बेटी आज उगल रहे हैं। चलो अच्छा हुआ वक्त पे पता चल गया, तुम गवाह हो। I'm sorry mom, I love you. I love you too. I love you too. हेलो जी, कैसे हैं आप? हैप्पी संडे। ये लें, सुबह सुबह शक्ल दिखा दी, अब पूरा दिन अच्छा गुजरेगा ना मेरे आने से। वैसे आप रोज दरवाजा खोल के सो जाते हैं? मुझे आदत नहीं दरवाजा लॉक करके सोने की, और वैसे भी खौफनाक चीजों को अंदर आने से कुंडी कहाँ रोक सकती है। वैसे सोते हुए भी प्यारे लगते हैं आप। तुम पहले भी आई थी कमरे में। अब आप समझे, मैं आ ही चुकी हूँ आपकी जिंदगी में। कमरा क्या चीज है? सच सच बताओ, कुछ चोरी करने का इरादा ना तुम्हारा? बस आपका दिल उस्मान जी, इसके अलावा कोई बात नहीं होती तुमसे। एक तरफा प्यार करने वाला समुद्र में डूबते हुए इंसान की तरह होता है, सिर्फ किनारे के बारे में ही सोचता है। आ गई। कौन? मुझे बात याद आ गई, मुझे ना बहुत जरूरी काम से जाना है, तो तुम ऐसे करो, तुम बाहर जाओ, मुझे तैयार होने दो। जो आपके सामने तैयार खड़ी हुई है उसको छोड़ के आपको सब याद आ जाता है बाकी। देखो फौजिया, देखी तो रही, अगर तुम इस तरह देखती रहोगी तो मैं तैयार कैसे होऊंगा? ऐसा करो, तुम बाहर जाओ, मैं भी तैयार होता हूँ, पहला से बेबी बन के बाहर आता हूँ, फिर सेल्फियाँ लेंगे। सच्ची? मुझे